नमस्कार दोस्तों, अरुणाचल 24 की खास पेशकश भोले अरुणाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पबजी के नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर उठे बवाल के बारे में। आप जानते हैं कि कल पासीघाट वेस्ट के एमएलए नैनंग एरिंग को एक यूट्यूबर ने चाइनीज कहा, जिसके बाद से सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच विधायक नैनंग एरिंग ने आज उस यूट्यूबर के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज करवाया है। क्या है पूरा मामला, आपको पूरी बात बताएंगे और नैनंग एरिंग जी से सीधी बातचीत भी करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि नैनंग एरिंग ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम के लॉन्च को बैन करने की मांग की है। यह खबर सबसे पहले अरुणाचल 24 में छपी और उसके बाद देश के लगभग सभी अखबारों ने इस खबर को छापी। खबर छपने के बाद हजारों की संख्या में रिएक्शन आ रहे हैं, कोई इस मांग को ठीक कह रहा है तो कोई गलत। इसी बीच एक यूट्यूबर जिसके चैनल का नाम है पारस ऑफिशियल, पारस ने एरिंग जी के द्वारा पीएम मोदी को किए गए ट्वीट को लेकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने एरिंग जी को चाइनीज कह दिया। उसके बाद अरुणाचल की जनता भड़क गई और सोशल मीडिया पर पारस को ऐसी की तैसी होने लगी। कोई चैनल बंद करवाने की मांग करने लगा तो कोई पारस के खिलाफ केस करने की बात कर रहा था। इसी बीच पारस को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने वीडियो से उस भाग को डिलीट कर दिया जिसमें उसने एरिंग जी को चाइनीज कहा था। कर रहा हूं, मैं मानता हूं मेरी गलती है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं अपने आप को, आप ही बताओ। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट पे आके कुछ गलत बोल दिया था, जिसके लिए मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, और उस वीडियो से मैंने वो सारे पार्ट को डिलीट कर दिया है। एंड मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ के लिए। मैं उस तरह से उस बात को बोलना नहीं चाहता था जिस तरह से वो लोगों को दिखा है, बट मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। मैं आप सभी से, जिनको भी बुरा लगा उस वीडियो से एंड जो भी उस वीडियो को देख के इस वीडियो पर आ रहे हैं, जिनको भी बुरा लगा, उन सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एंड मैंने गलती की है, मैं मानता हूं, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे वो वर्ड यूज करने से इतने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर मुझे पता हो। उधर विधायक नैनंग एरिंग जी ने एसपी को, एक क्राइम ब्रांच के एसपी को एक चिट्ठी लिखी है और यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा है। एरिंग जी, अरुणाचल 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूट्यूबर ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया है, आपको चाइनीज कहा है, आप इस पूरे मामले को किस तरह से ले रहे हैं? उनका जो लड़का का, पारस का जो हमारा खिलाफ वो बोल रहे हैं, वो ठीक है, इफ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री। मैं जानता हूँ, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, पूरा जो सिर्फ पूरा भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं। और हम जब जाते हैं, हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। और इसमें जब आप जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये चीन का, चीन जैसा लगते हैं, भारतीय जैसे भी नहीं दिखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ मैरीकॉम है। एरिंग जी, दूसरा सवाल ये होगा, दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आप इस गेम को बैन करने की मांग क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? अभी का जो लेटेस्ट जो पबजी का जो एक उसका रिप्लिका अभी वो अभी लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है, ये एक कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है, ये इट वाज चाइनीज़ कंपनी, और ये चाइनीज़ कंपनी जो है, ये पहले भी
पबजी को इसको चलाया था। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं, तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता उनको पता नहीं है। जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, एडिक्टेड कर देते हैं, और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग। एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसका खिलाफ है और हम कंप्लेंट किए थे। बहुत बहुत शुक्रिया एरिंग जी आपको, आपका अरुणाचल 24 के साथ बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भारत सरकार ने कई चाइनीज गेम को बैन कर दिया था जिसमें एक पबजी भी था, लेकिन अब पबजी जो है वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से फिर से भारत में लॉन्च होने जा रहा है। नानंग एरिंग जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने की मांग की है क्योंकि उनके अनुसार ये गेम पबजी का ही एक वर्जन है। एरिंग जी का कहना है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बनाने वाली कंपनी ने उसी कंपनी टेंसेंट के ही एम्प्लॉइज को हायर किया है जो चीन की कंपनी है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि क्राफ्टन की तरफ से घरेलू गेमिंग कंपनी नॉडविन में करीब $22 मिलियन का निवेश किया गया है और ये एक गंभीर विषय है। ये बातें एरिंग जी ने पीएम मोदी के नाम अपनी चिट्ठी में लिखा है। दोस्तों आपको बता दें कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया देश में कब लॉन्च किया जाएगा इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। हालांकि क्राफ्टन ने 18 मई को गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन लिंक को ओपन कर दिया है। प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये गेम अगले महीने लॉन्च हो सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।